नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति आज आपके लिए लाई हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी दलिया की रेसिपी। तो आइए देखते हैं इसकी सामग्री। ये देखिए, वैसे तो हमें वेट लूज के लिए ये उबली सब्जियाँ खाने को बोली जाती, पर ये हमसे खिलाती नहीं है, तो इसे आज हम दलिया में मिलाकर खिलाएंगे। दलिया भी एक हेल्दी रेसिपी है, तो इन दोनों को आज हम मिक्स करके बनाएंगे। तो ये देखिए, सब्जियों में आप अपनी मनपसंद की सब्जियाँ रख सकते हैं, जैसे ये पपीता, हरी मिर्च, प्याज, गाजर, बीन्स, मूली, टमाटर और ये कद्दू है। और ये इसमें डालने के लिए कुछ मसाले, जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, और ये मैंने पाव भाजी का मसाला रखा है टेस्ट को बढ़ाने के लिए, ये हल्दी पाउडर और ये नमक है। और ये मैंने आधा कप दलिया लिया है, और इसमें थोड़ा सा डालने के लिए एक चौथाई से भी कम मूंग का दाल, क्योंकि दाल भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है। तो हम इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। ये देखिए, इसकी क्वांटिटी करीब आधे कप के करीब हो गई है, थोड़ी सी ज़्यादा, और इसे हम दोबारा धो लेंगे। तो चलिए इसे अब हम बनाने चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे धो लिया है और सारी सब्जियों को पहले ही धोकर काटा था। तो चलिए बनाते हैं। मैंने एक कुकर चढ़ा लिया है और इसमें आधे चम्मच घी डालेंगे, सिर्फ जीरा चटकाने के लिए। बस उतना ही घी डालेंगे जितना में जीरा चटक जाए। अब इसमें हम आधा चम्मच से भी कम जीरा डालेंगे। ये देखिए हमने कितनी कम मात्रा में घी डाला है, बस इतना ही घी डालेंगे जी। इसी में हम आधी कटी हरी मिर्च डाल देंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रही हो तो इसमें मिर्च ना डालें। ये खाना बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्दी होता है, क्योंकि इसमें सारी सब्जियां मिली हुई होती हैं, और वेट लूज के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है। तो जीरा चटक गया है, अब हम इसमें धीरे धीरे सारी सब्जियां डाल देते हैं। ये गाजर, ये प्याज, ये मूली, टमाटर, बीन्स, ये कद्दू और ये पपीते के कुछ टुकड़े। अभी में हम 2 से 4 मिनट सॉटे फिक्स करेंगे। तब तक इसी में हम अपने सारे मसाले डाल देते हैं। ये हल्दी पाउडर, ये धनिया पाउडर, ये गरम मसाला पाउडर, ये जीरा पाउडर, और ये स्वाद के लिए मैंने पाव भाजी मसाला डाला है, काफ़ी से काफ़ी टेस्ट अच्छा हो जाता है, और ये स्वाद के अनुसार नमक। अब इन सभी को हम अच्छे से मिला देंगे। जब सब्जियां 2 मिनट भून जाए, उसके बाद हम इसमें दलिया डालेंगे। अब सब्जियां हमारी 2 मिनट भून गई हैं, अब इसी में हम ये दलिया और मूंग की दाल को डाल देंगे। और इसे भी सिर्फ 1 मिनट और भूनेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने 1 मिनट दलिया को भून लिया, अब इसमें पानी डालेंगे। हमने इसी कटोरी से मेज़र किया था, इसमें आधी कटोरी दलिया थी, तो हम लगभग 3 कटोरी पानी डालेंगे। हम इससे 3 कटोरी पानी डालेंगे। क्योंकि दलिया फैलता है। ये देखिए। अब पानी की क्वांटिटी देख सकते हैं।
अब कुकर का ढक्कन हम लगा देते हैं। जब इसमें सीटी भर जाएगा कुकर में तो हम गैस ऑफ कर और गैस धीमा कर देंगे और 5 मिनट तक रखेंगे। तो अभी हम कुकर की सीटी पहले लगने देते हैं, जब कुकर की सीटी लग जाएगी तब हम आँच को धीमा करेंगे और आँच को धीमा करने के बाद 5 मिनट तक और रखेंगे, उसके बाद ही हम गैस को बंद करेंगे। तो हम पहले सीटी लगने देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कुकर की सीटी लग गई है। अब हम आँच को एकदम कम कर देंगे और कम आँच पे ही 4 से 5 मिनट इसे पकाएंगे, उसके बाद गैस बंद कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, 5 मिनट हो गया, सीटी भी पूरी अपूरी से ख़त्म हो गई है। हम कुकर का ढक्कन निकालते हैं और ये देखिए हमारी दलिया कितनी बढ़िया बनी है। ये देखिए, आप चाहे तो थोड़ी थोड़ी सब्जियों को इस तरह मैश कर सकते हैं। चलिए अब हम इसे दूसरे प्लेट में निकाल कर दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, कितनी स्वादिष्ट दलिया बनी है। इसे आप चाहे भर पेट खाएं, चाहे दिन में जितनी बार भी खाएं, इससे आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। तो ये देखिए दोस्तों, कितनी स्वादिष्ट दलिया बनी है। आप इसे दिन भर में 2 बार खाएं, 3 बार खाएं, या जितनी भी बार पेट भर के खाएं, इससे आपका वज़न नहीं बढ़ेगा बल्कि वज़न कम ही होगा। और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।